ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರು ಮತ್ತೆ ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ತೋ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಈದುಲ್ ನಬಿ ಕಿ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಭಕಾಮನಾಯೆ. ಹಮಾರಿ ತರಫ ಸೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಟಾ ಕಿ ತರಫ ಸೆ ಹೋ ಯಾ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಿ ತರಫ ಸೆ ಆಶಾ ಸಬ್ನೆ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಪೂರಿ ಕಾಮಯಾಬಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಫಿರ್ ಸೆ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಏಕ್ ಜುಲೂಸ್ ದಿಖಾಯಾ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಮೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವತಿ ಮೈಂ ಅಪ್ನೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಆಪ್ ಸಬ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಗುಜಾರ್ ಹೂಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. कभी भी हम वो इशू कैसा भी हो, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि ऊपर वाले ने हमें कुछ तालीमें दी हैं, जैसे अभी हमारे सब बता रहे थे, हजरत साहब बता रहे थे, वो तालीमों को पालना करना आसान नहीं होता, कभी आसान नहीं होता. पांच बार नमाज पढ़ना आसान नहीं होता, रोजे रखना आसान नहीं होता, उसी तरह सच की राह पे चलना भी आसान नहीं होता. ऊपर वाला हमें हिम्मत दे कि हम सच और झूठ के बीच में फर्क रखना सीखे. ऊपर वाला हमें हिम्मत दे कि हम समझे हम कहाँ हैं. हर कोई हमारी तरह शुक्र मतलब इतना फॉर्चुनेट भी है कि हमारी तरह इस देश में पैदा होता है. ऊपर वाले ने हमें बहुत रहम किया है कि हम इस देश में पैदा हुए, हम भारतीय हैं. इस देश की एक इज्जत है हमारे साथ, यहाँ पैदा हुआ है, हर एक के लिए बराबरी है, हर जगह नहीं मिलती है सब कुछ. तो हमें ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए. एक कर्ज है इस मातृभूमि का, उसको निभाना चाहिए. कई सौ साल पहले अंग्रेज आए, तोड़ के गए और वो चलता ही आ रहा है. हम सब मानते हैं कि हमें आपस में डिवाइड किया जाता है, मानते हैं, फिर भी हम करते हैं. तो ऊपर वाला हमें हिम्मत दे सच को पढ़ने में, हिम्मत दे इस मुश्किल राह पे चलने के लिए. आसान नहीं होगा, जैसे सर बोल रहे थे कि आसान नहीं है कुछ भी, पर ऊपर वाला हिम्मत देता है. ऊपर वाला अपने आप हिम्मत देता है, ताकत देता है. जैसे हजरत साहब ने बोला, अगर हमारे अंदर अच्छी हिम्मत है, अच्छी तालीम है, तो जिसके साथ ना इंसाफ हो रहा है उसके साथ खड़े होंगे. फेक मैसेजेस सर्कुलेट करके नहीं. कितने सारे बार आप लोगों ने देखा है कि हमारे आप चलता रहता है मैसेजेस आते रहते हैं, जाते रहते हैं. क्या हमने जानने की कोशिश की कितने सच है कितना नहीं? अगर हमारी तरफ से जा रहा है तो मैसेज तो सच होना चाहिए. तो मैं वही आप सबसे एक गुजारिश करती हूँ, हमें अपना काम देखना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक. बाद में सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा आजू बाजू वाला क्या कर रहा है. अपना काम देखें, ऊपर वाले का नाम लें, सब सही हो जाएगा. ऊपर नीचे सब आता है, लेकिन ऊपर वाला बचाता भी है, काम भी वही करता है, सक्सेस भी वही देता है, सब कुछ वो करता है. ट्रू सर. सो फिर से आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से और मेरे पर्सनली भी. आने वाली ईद भी हम ऐसे ही मनाएं, शांति से, कोऑपरेशन से, जो भी इशू हम सॉल्व कर सकते हैं आपस में, बस मिलकर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे चीज़ को. तो आप सबको फिर से ईद उल अज़हा की शुक्रिया और मुझे बोलने के लिए मौका दिया. थैंक यू सो मच.